फेलोज अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊंगी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज एट सेम पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। जब भी दो रेज एक सेम पॉइंट पे मिलती हैं वहां एंगल बनता है। फॉर एग्जांपल ये टू रेज है और ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पे ये टू रेज मिल रही है, यहाँ एक एंगल बन रहा है। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ एंगल। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल, ये राइट एंगल है। राइट एंगल की एक पहचान है कि इसमें स्क्वायर बनता है और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल के दरमियान जितने भी एंगल बनेंगे उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और राइट एंगल जो होते हैं, एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से लेस होते हैं और 15 डिग्री से अबव होते हैं। ये अब एक एक्यूट एंगल है। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से अबव होते हैं और 180 डिग्री से लेस होते हैं। ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है, ये 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल ना किसी से अबव होता है ना किसी से लेस होता है। स्ट्रेट एंगल ओनली 180 डिग्री का होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से अबव होता है और 360 डिग्री से लेस होता है। वर्टेक्स एंड आर्म्स, किसी भी एंगल की हमें उसका वर्टेक्स जानना होता है या आर्म जानना होता है तो सबसे पहले हम उनको नाम देते हैं। मैंने इसको नाम दे दिया है। अब जिस पॉइंट, जिस नाम पे ये पॉइंट बन है, इधर एक एंगल बन रहा है इसलिए भी हमारा वर्टेक्स है। ए बी एंड बी सी आर आर्म्स। अब मैं आपको डिग्रीज इन सर्कल के बारे में बताती हूँ। सर्कल में 4 क्वार्टर होते हैं और हर क्वार्टर 90 डिग्री का होता है। जब भी हम किसी सर्कल को डिग्रीज में काउंट करने लगते हैं तो हम सबसे पहले 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री, एक क्वार्टर 90 डिग्री का होता है इसलिए 0 प्लस 90 इक्वल 90 डिग्री। अब हमने दो क्वार्टर 90 डिग्री के हमने इसको प्लस किया तो ये पूरा हाफ सर्कल हमारा 180 डिग्री का होता है। अब ये बात 390 डिग्री के क्वार्टर से है और हमारे लिए अगर हम 3 को टोटल काउंट करें तो 270 डिग्री। और जो जहाँ पे हमारे पूरे सर्कल की डिग्री काउंट होके एंड होती है वो 360 डिग्री है। हमारे पूरे जो सर्कल में डिग्री होती है वो 360 डिग्री है। अब मैं आपको एक इसी तरह का जो हमने मॉडल बनाया है उसके बारे में बताती हूँ। ये हमारा मॉडल है डिग्रीज इन सर्कल। जब भी हम किसी सर्कल को स्टार्ट करते हैं तो 0 डिग्री से वो स्टार्ट होता है। 0 डिग्री पे हमारा कोई एंगल नहीं बनता।
0 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान हमारे एक्यूट एंगल बनते हैं। यहाँ पे भी हमारा एक एक्यूट एंगल बन रहा है क्योंकि 0 से अबव है और 90 से जो है वो लेस है। यहाँ पे भी एक्यूट एंगल बन रहा है क्योंकि 0 से अबव है और जहाँ 90 बन रहा है इसलिए 90 से भी लेस है। अगला जो हमारा एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री पर बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है। राइट एंगल से जो भी अबव एंगल होते हैं और 180 डिग्री से लेस होते हैं उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये भी 90 से अबव है और 180 डिग्री से लेस है। स्ट्रेट एंगल पूरे 180 डिग्री पे बनता है और स्ट्रेट एंगल से आगे 360 से कम जो भी एंगल होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल होंगे। ये यहाँ तक भी हमारे रिफ्लेक्स एंगल है और यहाँ अगर पहुंचा तो कोई एंगल नहीं होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल, हम एंगल की मेजरमेंट प्रोट्रैक्टर से करते हैं। मैं अब इस एंगल की मेजरमेंट करूंगी। ये एंगल 60 डिग्री का है। एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से लेस होता है इसलिए 90 से लेस है 60 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। अब मैं इसकी मेजरमेंट करती हूँ। ये 130 डिग्री का बन रहा है।